संयोग है कि एक मेरा जो है ड्राइवर नहीं रहने के चलते कल नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत ही ये लड़का मेहनत करता है, जहाँ तक हम जानते हैं कि ये इसका मेहनत आगे चल के बहुत ही काम देगा। क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि तुम आगे कुछ करेगा, इसलिए तुम्हारा मनोबल बढ़ाना मेरा काम है। आप लोग का जो है कि आशीर्वाद है और बिटू मैक्सी को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं बता दूं कि आज मेरा बर्थडे है और आप जो ये बैलून देख रहे हैं तो बिल्कुल आज बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। और मैं आपको टाइम बता दूं, आप देख सकते हैं अभी टाइम शाम के 7 बज रहे हैं और अभी ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो मैं बता दूं कि अभी इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि प्लान में नहीं था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, और लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि उन सभी के मदद से मैं ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं। तो मैं मिलाता हूं अपने दोस्त से, तो यहां मिले मेरे दोस्त अंकित से। पहले तो भाई को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और भाई जो ऐसे हंस रहे हैं ये हंसी इनमें ऑलवेज के लिए हमेशा बने रहे, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे भाई। अरे थैंक यू। और आप लोग को क्या करना है, ये जो आप लोग बॉन्डिंग बना के रखे हैं ये बॉन्डिंग को और आप लोग को हार्ड बनाना है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या भाई का बर्थडे है आज सेलिब्रेट करेंगे। चलो ठीक है, तो तुम बैलून बुला जल्दी जल्दी। और गाइस, मैं बता दूं कि अंकित जी आज प्लान किया कि अचानक से कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और मैं बता दूं कि एक और है जो कि हिमांशु, जो कि शंभुगंज से चल के मेरे घर पे आया हुआ है और वो मेरा सब्सक्राइबर है। और यहाँ मिलिए ये हिमांशु। तो हिमांशु कैसे आया? तो गाड़ी से आए, और हम बोल देना चाहता हूँ कि बिट्टू भैया का आज बर्थडे है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे बिट्टू भैया। थैंक यू बाबू। बिट्टू भैया का वीडियो हम डेली देखते हैं, आप लोग भी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू। तो गाइज, मैं बता दूं कि यह है हिमांशु, और जैसा कि बहुत पहले का जो मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मेरा एक मैच था तारापुर में, और यही हिमांशु है जो कि मेरा बहुत अच्छा फैन है। और ये 24 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के आया था तारापुर मेरा मैच देखने के लिए। तो थैंक यू हिमांशु, तुम आए तो आज थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और गाइज, आप देख सकते हैं कि सब रेडी हो रहा है, बैलून वैलून फुला रहे हैं हम लोग, और मैं बता दिया हूँ कि सभी दोस्त मेरे आने वाले हैं। और ये देखिए, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सचिव। अचानक बुलाए, सो के उठे थे अभी। अरे अचानक बुलाने का रीज़न था कि आज बर्थडे है मेरा, तो जान ही रहे थे। तो गाइज, मैं बता दूं कि 12 बजे सबसे पहले कॉल इसका था, और पापा से भी बात हुई तो पापा बोले अचानक से चलो सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए अभी बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और अभी मज़े करना है ना? हाँ बिट्टू भैया के लिए मज़े करना है, सब चीज़ करना है। और बिट्टू भैया की एक चीज़ करना चाहता हूँ, हिम्मत भरोसा दो चीज़ बनाए रखें बिट्टू भैया, और सब मिल के लाइक सपोर्ट चैनल करते रहे। ओके थैंक यू। तो गाइज, ये है सचिव, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर मैं आप सभी को नहीं बुला पाया अपने बर्थडे पे तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन हाँ, अचानक से बर्थडे का प्लान किया गया, तो सभी के लिए जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी क्लोजली दोस्त हैं, जो कि बगल में हैं और जो जो प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल उन सभी को मैंने बुलाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अंकित है, सचिव है, और तो इसके बारे में क्या कहना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पापा जी। और आज क्या बन रहा है पापा जी? आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए खाना का व्यवस्था किया गया, जिसमें ये पनीर का मसाला भूज रहे हैं, और इसमें पनीर तड़का चलेगा, और भात मतलब पनीर तड़का, पुलाव, सलाद, पापड़।
तो बिल्कुल पापा जी बना रहे हैं हम लोग के लिए और जितने मेरे दोस्त लोग आएंगे। और मैं बता दूं कि पापा जी का ही प्लान था अचानक से, क्या पापा जी आप अचानक से प्लान किए ना? बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि तुम आगे कुछ करेगा, इसलिए तुम्हारा मनोबल बढ़ाना मेरा काम है। और मैं सभी बिट्टू के फैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनका जितना से जितना हो सर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, इसका भी मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच। और आप देखिए ये मेरी मम्मी, माँ जी। हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं? सलाद काट रहे हैं, मेरा बच्चा आगे बढ़े। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मम्मी यहाँ पे सलाद बना रही है और आप सभी के लिए। तो बिल्कुल अभी सभी लड़के लोग आ रहे हैं और मैं आपको टाइमिंग दिखा दूँ कि अभी टाइम 7:30 हो चुका है, तो 8 बजे केक कट होगा। बिल्कुल 8 बजे केक कट होगा और बहुत मज़ा आएगा। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आज भैया लोग आए हैं, तो मैं आपको भैया लोग से मिलाता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे कोच मानस भैया, जो कि मुझे क्रिकेट खेलना सिखाए थे। और ये है मानस भैया। हाय फ्रेंड, बस आप लोग का जो है कि आशीर्वाद है और बिट्टू मैक्सी को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। मेहनत बहुत करता है, मेहनती लड़का है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हैप्पी बर्थडे बिट्टू। थैंक यू भैया। और गाइज मैं मिलाना चाहूँगा, मेरे साथ एक और भैया हैं चंदन भैया, और जो कि हमारे टीचर भी रह चुके हैं और पढ़ाए हैं मुझे। तो भैया आप। हाय गाइज, मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि ये बिट्टू मैक्सी जो कि मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है और बहुत ही लड़का मेहनत करता है, जहाँ तक हम जानते हैं कि ये इसका मेहनत आगे चल के बहुत ही काम देगा। और मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि जितना भी हो सके सब्सक्राइब को बढ़ाएं, इनको थोड़ा सा आशीर्वाद दें। आप लोग के आशीर्वाद से ही ये लड़का बहुत ही मेहनत करके आगे निकलना चाह रहा है। अगर निकलेगा तो आपके गांव से, आपके बिहार से, आपका जिला से एक बहुत ही होनहार लड़का निकलेगा। मैं आप लोगों को बस इतना ही कहता हूँ कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सभी आ चुके हैं और जितने भी यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, जो भी दोस्त हैं, और मेरे एक दो सर हैं और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं इधर, आप देख सकते हैं। और सभी बिल्कुल यहाँ पे केक रेडी कर रहे हैं करमवीर, और आप देख सकते हैं यहाँ का आज का सजावट यही है। हैप्पी बर्थडे। और राजीव भैया भी हैं पीछे, तो बिल्कुल मैं आपको सभी से मिलाऊँगा। अभी सब बिजी है सब।
बर्थडे हो चुका है ख़त्म और बहुत ज़्यादा मज़ा आया जैसा कि आपने देखा। तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, सभी आप देख सकते हैं, और हमारे चंदन भैया। तब भैया मज़ा आया? हाय गाइस, बहुत मज़ा आया आज का बर्थडे में। और हम लोग खाना खा लिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। और इसके साथ अब हम लोग घर के लिए चलते हैं। तो गाइस मैं बता दूँ कि भैया आप घर जा रहे हैं, तो एक बार सभी बाय कर दो। बाय गाइस।
तो गाइज मैं यहाँ पे मिलाता हूँ, हमारे पापा जी हैं, बालक अंकल हैं, विनोद चा हैं, और यहाँ पे मिले हमारे जिला परिषद सर, जो कि कल मेरे बर्थडे पे तो नहीं आ पाए थे लेकिन आज आए हैं। तो सर आप बताइए कुछ। हम अभी वर्तमान में जिला परिषद हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन जिला परिषद होंगे दुर्गेश कुमार सिंह, और पूर्व प्रत्याशी जमालपुर विधानसभा लोजपा रामविलास, और संयोग है कि एक मेरा जो है ड्राइवर नहीं रहने के चलते कल नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इस परिवार से एक अलग लगाव है और अपना एक मैंने आज ना हम जिला परिषद या वाइस चेयरमैन वगैरह बने हैं, हमारे जो रामचंद्र भैया हैं इनसे 20-25 साल पुराना संपर्क संबंध है, और ये संबंध जो है दांत और जीभ वाला संबंध है, और बहुत अच्छा लगा कि आपके बर्थडे में सेकेंड डे आए हैं, और सभी लोग से हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत खुशी हुई आप लोग से मिल कर करके। थैंक यू सो मच अंकल। और यहाँ पे मेरे पापा जी, मुझे भी खुशी लगा, कल नहीं आए हमारे दुर्गेश भैया लेकिन आज आए, हमको विश्वास तो नहीं था लेकिन विश्वास अब बढ़ के हो गया कि नहीं कोई अपने हैं जो आज भी आए। बिल्कुल। और हमारे बालक अंकल आप कुछ बताना चाहिएगा? तो कल हम नहीं आ पाए, बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन आज आए तुम्हारे बर्थडे का केक खाने के लिए। थैंक यू सो मच अंकल। सर अपना इंट्रोड्यूस। राष्ट्रस्मिता का शायर शशि आनंद वेला, मुझे आना था लेकिन आज आए, चले जब भी आए हो गया। बिल्कुल अंकल, ऐसे बर्थडे का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। कि रौन के हर सू रहे हर सू फिजा गुलफाम हो, वक्त के हाथों समा के नाम ये पैगाम हो। वाह वाह।